गोल जाय उमर गांव की महत्वपूर्ण अनुभवी जोड़ी निर्णायक की भूमिका में। दमन टंडेल प्रीमियर लीग के तीसरा सीजन में शुरुआत। ओ माय गॉड, ये देखिए ऐसे मौके आपको बार बार मिलेंगे नहीं। जो बल्लेबाज इनफॉर्म है, इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो लिमडी माटा प्रीमियर लीग में कल उन्होंने 22 गेंदों में 66 की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जिनको आपको पहली गेंद पर मौका दिया था। एक शानदार कवर ड्राइव अल्पेश की ओर से, एक अच्छा प्रयास, 100% एफर्ट। ये एक और उसी देश क्षेत्र में, इस बार जमीन के सहारे। और इसी बीच चेंज ऑफ पेस, सोहिल टंडेल को पहली मर्तबा वैसे भी देखा जा रही तो धीमी गति डालते हुए देख रहे हैं। एक अच्छी सोच, क्योंकि अगर टेनिस क्रिकेट में आपको बने रहना है तो ये गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, अंडर बाहर, ये सब करना रहता है। और विकेट के पीछे जो दर्शक जा रहे हैं व्हाइट एंड ब्लैक टी शर्ट, प्लीज वो दरवाजा बंद कर लीजिए, गेट। थैंक यू। इस बार हवाई फायर करना चाहते थे और ये कैच, ये रुटुराज मामू की वैसे बात की जाए तो बड़े हाथ है उनका, बड़ा कद है, पर ये छोटी सी गेंद जगह कर गई दो हाथों के बीच से। जिस तरह से नहाते वक्त गीला साबुन हाथ से छूट जाता है, उसी तरह ये गेंद इनके हाथों से छूट गई। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए दोस्त जीता था स्नेजी ने और निर्णय गेंदबाजी का, और पहली ओवर में अगर आप इस तरह से दो कैच छोड़ेंगे तो ये मैच आपको छोड़ना पड़ेगा। एक बार फिर मौका, इस बार नो मैन लैंड पर। देखिए अल्पेश को प्रयास करना था, दौड़ना तो था, गेंद तक पहुंचे ना पहुंचे। कपिल देव ने 1983 में कहा था, जब 24 साल के थे वो कप्तानी कर रहे थे भारत की, औकात से ज्यादा खेलना पड़ेगा क्योंकि वेस्टइंडीज जैसी टीम, धाकड़ टीम, लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने के बाद। इस बार ये देखिए आईपीएल में ऐसा ज्यादा होता रहता है। इस बार विजू, देखिए विजू और सोहिल टंडेल की बात की जाए तो लिमडी माटा प्रीमियर लीग में दोनों टीम होटल रिवंटा की ओर से खेल रहे, यहां आमने सामने। ये दो फील्डरों के बीच जिस तरह से सुई में धागा परोटे है, उसी तरह से दो फील्डरों के बीच से जमीन के सहारे गुदगुदी करता हुआ ये खूबसूरत चौका, और इसी चौके की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10। एक ओवर 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज को मिले हैं जीवनदान, दोनों बल्लेबाज 5-5 रन बनाकर। वैसे देखा जाए तो सोहिल टंडेल ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की, अगर फील्डरों को साथ देना होगा। स्नेजी 11 की वैसे बात की जाए तो टॉस जीतने के बाद उनका निर्णय था गेंदबाजी करने का। देखिए स्नेजी 11 के कप्तान, एक मर्तबा आप टाइमर के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको 25 मिनट के अंदर ये पारी 2:55 में वैसे देखा जाए तो शुरू हुआ था खेल, फिलहाल 4 मिनट जरूर हुई है। बहुत ही तेज सुहेल टंडेल की वैसे बात की जाए तो तेज गति के गेंदबाज ने 4 मिनट में अपना ओवर पूरा किया, और वहां पर दो कैच भी ड्रॉप हुए, दो चौके भी मिले, और उन्होंने टीम हैंडल भी कर लिया, मंत्रणा भी कर ली कि अगली ओवर कौन से गेंदबाज को सौंपी जाए, कौन से फील्डर को बाहर रखा जाए। और आखिरकार सोचने के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी एआरटी यानी कि अमरसन, जिन्होंने आज कमेंट्री में भी दर्शकों का दिल जीता, बहुत ही शानदार मुकाबले हुए। वैसे देखा जाए तो आज के दिन आखिरी गेंद पर कुल मिलाकर 4 में से 3 मुकाबले हुए।
चार में से तीन मुकाबले ऐसे हुए जो आखिरी ओवर तक गए, दो मुकाबले आखिरी गेंद पर, यहाँ खराब गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए करण चंदू। शॉट फाइन लेग के फील्डर, देखिए मौका मिला उनको, टीम में जगह दी। देखिए आपको जब टीम में जगह देती है तो आपको आपका बेस्ट देना बहुत जरूरी है, और यहाँ उन्होंने दिया एक अच्छा नियंत्रित कैच, क्योंकि आसान नहीं था, एक लंबी दौड़ लगाई थी उन्होंने। ये पहली मर्तबा विकेट मिला अजय उर्फ विकी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी टीम किलर 88 के लिए आज खेली, पहले मुकाबले में भी और यहाँ पर भी, और उनकी पारी का हुआ अंत। और अब पिछले मुकाबले के किलर 88 के हीरो पिनल, जिन्होंने आखिरी गेंद पर जहां चाहिए थे दो, देखिए फील्डर की गलती और उनके हाथ से जिसे कहते रन चुराना वो चुरा लिया, हाथों में गेंद थी और आंखों ही आंखों में दो बल्लेबाजों का इशारा हुआ और वहां से रन चुरा लिया और अपनी टीम को हारा हुआ मैच जीता दिया, क्योंकि गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। फील्डर की जो हल्की सी चूक रही, कि टेनिस क्रिकेट में नियम है आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका ये बटन हमेशा ऑन रखना है। अमरसन की वैसे बात की जाए तो राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और फील्डिंग की देखा जाए तो मिड विकेट और मिड ऑफ दोनों को बाहर निकाला हुआ है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बिल्कुल अंडर। ये गलती तो वैसे हुई है, क्योंकि गेंदबाजी जिस तरह से आपने पहले तो मिड विकेट और मिड ऑफ को बाहर निकाला और आपने गेंद बल्ले पर दी, आ बेल मुझे मार, सामने कदमों का उपयोग करके एक खूबसूरत चौका गेंदबाज के सर के बिल्कुल ऊपर से, दो फील्डर जो कि शॉर्ट लॉन्ग ऑफ और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ पर थे उनके बिल्कुल ऊपर से डीबीएन लाइव के कैमरामैन के पास गेंद चली गई एक टप्पा खाने के बाद चार, और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। और इसी बीच यहां पर लगातार दो गेंदों पर दो चौके, देखिए पहली ओवर अच्छी गई थी, इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिलने के बाद पिनल ने आते संगी लगातार बैक टू बैक दो बाउंड्रीज। इस ओवर में तीन चौके आए अमरसन की, वैसे बात की जाए तो जो अपना स्वाभाविक गेंदबाजी है उनसे थोड़ा विपरीत भी कर रहे हैं, और चोटिल भी है, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, मांसपेशियों में खिंचावट, इस साल उन्होंने फिटनेस पर वैसे देखा जाए तो ध्यान नहीं दिया, सबसे बड़ी बात यह है। और बल्लेबाज तो वो एक नंबर है, मैदान की हर तरफ रन बनाने की क्षमता, पर जिस तरह से इस प्रकार के बड़े टूर्नामेंट में उनको जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देना है तो उनकी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना था। एक अच्छे खिलाड़ी है अमरसन रमेश टंडेल, और पर उसके खिलाफ सामने बल्लेबाजी भी पिनल रमेश टंडेल कर रहे थे, और देखिए जब सचिन रमेश टेंडुलकर से ये दोनों अमरसन रमेश टंडेल और पिनल रमेश टंडेल ने कुछ सीखा हो तो एक तरफ बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला था, दोनों काफी अच्छे दोस्त भी है, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, कई बार साथ में खेले, यहाँ आमने सामने खेलने का मौका था, यहाँ बाजी मारी पिनल ने, क्योंकि पिनल ने अमरसन की पांच गेंदों पर रन बनाए 13 सर्कल में, और देखिए सर्कल के बाद पिनल कितने चौके लगाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पावर प्ले का खेल समाप्त, और इसी बीच हल्के हाथों से ये चतुर चालाक
इसी बीच देखिए विजू नॉन स्ट्राइक पर थे, ये सभी को पता था, पर पिछला ओवर उनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। पूरा ओवर अमरसन की जो ओवर थी वो पहली विकेट के बाद पांच गेंदें खेली पिनल ने, सोहिल टंडेल। ये हवा में मौका मामू इस बार बहुत ही कमाल का, ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैच, बल्लेबाज को मौका एक जरूर मिला था पहली गेंद पर बार बार मौके मिलते नहीं, आपको इस मौके का फायदा उठाना था, जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच। विजू एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज, वापस बैक टू डी डगआउट। और यहां पर रुका हुआ स्कोर जो है 24-24। और इसी बीच एक रन एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25। और इसी बीच आखिरी इस ओवर की बहुत ही किफायती गेंदबाजी की सोहिल टंडेल ने, पहली ओवर में दो मौके मिले थे बल्लेबाज को, वहां सफलता मिली थी उनको, पर यहां उनका ओवर बहुत ही किफायती रहा। इस ओवर से आए कुल मिलाकर 5-1 विकेट, 3 का समाप्त हुआ खेल। 3 ओवर के बाद रन बने 28, 2 ओवर के बाद 23 थे, पहली ओवर से आए थे 10, दूसरे ओवर से आए 13, इस ओवर से आए मात्र 5, तो जो औसत ऊपर थी वो थोड़ा नीचा होता हुआ। तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कीलर 88 ने 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 28 विकेट 2 के नुकसान पर। पाली को फिलहाल संभाल कर खेलने का प्रयास पिनल टंडेल और सचिन, पिनल खेल रहे 3 चौके 3 सिंगल। देखिए डीबीएन लाइव की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार दिन हो या रात इनके कैमरामैन हर एक गेंद को चुराते हुए खिलाड़ियों के बीच, और आज वैसे देखा जाए तो जर्सी नंबर 5 राजन भी दिख रहे हैं, काफी शानदार बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने वापसी की है। आज उनके बल्ले से रन मिलेंगे देखने को। ये राजन एक ऐसे बल्लेबाज है जिसने इस मैदान पर सबसे लंबा छक्का वो अभ्यास में लगाया था प्रैक्टिस मैच में, बिल्कुल लिमड़ी माटा के गोट के पास उन्होंने बड़ा छक्का लगाया था।
देखिए राजन जो कि काउंटी खेलने के बाद वापसी की है, उन्होंने पहले सीजन की उतनी बात की जाए तो क्या शानदार उनका वो सीजन रहा था। नंबर 12 की मुख्य भूमिका टीम विजय स्टड फार्म जेवी स्टड फार्म के लिए उन्होंने भूमिका निभाई थी, पर यहां होटल स्नीजी ने उनके ऊपर दाव लगाया है। और इसी बीच हवा में गेंद और ये अद्भुत कैच, अल्पेश ने इस बार लंबी डॉल लगाई और ये अच्छा कैच। देखिए फील्डर को यही करना है, आपको डॉल लगानी है, गेंद तक पहुंचना है। एक भी कैच अगर आपके पास हवा में आती है तो आपको प्रयास करना है। एक बार उन्होंने गलती की थी, हाथों से कैच ड्रॉप हुआ था, एक बार दौड़े नहीं थे और यहां पर हाथों में गेंद भी आ गई और लंबी दौड़ भी लगाई। एक अच्छी फील्डिंग, ये अच्छी वापसी फील्डर के द्वारा। देखिए गेंदबाज के पास भी वापसी करने का मौका रहता है, बल्लेबाज के पास भी मौका रहता है और फील्डर के पास भी मौका रहता है, और फील्डर अल्पेश ने यहां वो मौका चुराया। और यहां चौथी ओवर की तीसरी गेंद पर पिनल की पारी का हुआ अंत। फिलहाल रुका हुआ स्कोर जो है 30-30 विकेट 3 के नुकसान पर। दोस्त हारने के बाद किलर 88 को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और अब वृषित एक युवा खिलाड़ी, देखिए मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। और यहाँ होटल स्नेजी पहली ओवर में मिस फील्डिंग जरूर देखने को मिली थी, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया उन्होंने अच्छी खेल दिखाई। और यहाँ साई परेश एक महत्वपूर्ण भूमिका में है ऑलराउंडर की। होटल स्नेजी की वैसे देखी जाए तो जो शुरुआती मुकाबले उन्होंने खेले वहां उनको हार का जो सामना करना पड़ा, वहां गलती की थी साई को गेंदबाजी ना देकर, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह से एक ऐसे गेंदबाज है जो खेल में विविधता ला सकता है, एक ऑलराउंडर की भूमिका में साई एक अच्छे बल्लेबाज तो है ही, पर बतौर ओपनर के साथ वो एक अच्छे गेंदबाज भी इस टूर्नामेंट में उन्होंने साबित करके दिखाया। और हम उनकी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने की देखिए तारीफ कभी कभी हानिकारक होती है। और हाई फुल टॉस नॉबल और यहां पर साई ने हमें गलत कर दिया, क्योंकि हम उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी टीम ने उनको शुरुआत में मौके नहीं दिए थे, यहां मौका दिया, हमने उनकी तारीफ की, उन्होंने उनकी टीम को सही साबित करके दिखाया। और इसी बीच यहां फ्री हिट का मौका, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाल ही में खबर आई है जो आईपीएल होने जा रहा है, 75 करोड़ में आरसीबी को साइन किया है कतार एयरवेज ने 3 साल के लिए स्पॉन्सर विराट कोहली। कतार एयरवेज अब आईपीएल में भी, इस साल भी आईपीएल के मुख्य स्पॉन्सर तो टाटा ही रहेंगे, और टाटा की बात किया तो पिछले 100 साल में सबसे बड़े दानवीर में उनकी गिनती होती है, जीआरडी टाटा। पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबको देखने के बाद यह तय गया कि जीआरडी टाटा पिछले 100 साल में सबसे बड़े दानवीर है। आप गूगल पर भी यह सर्च कर सकते हैं। और देखिए यहां 38 जो 2 ओवर के बाद 23 का स्कोर था, यहां अब स्कोर औसत जो है 10 के अंदर। देखिए टीम किलर 88 के पास एक बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, आने वाले बल्लेबाजों में उनके खूंखार बल्लेबाज प्रतीक फ्राई एक गेंद को फ्राई कर देते हैं, उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी, जिस तरह से फ्राई करने के लिए जो चमचा चाहिए जो इधर से उधर घूमता रहता है, उनका बल्ला भी इधर से उधर घूमता रहता है और मैदान की हर तरफ रन। और सनील तंडेल जो फिलहाल हमारे साथ बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि विजय किंग्स को उन्होंने फ्राई करके रख दिया था, विजय किंग्स के गेंदबाजों की जो गेंद थी उनको उन्होंने फ्राई किया था। और हल्की सी मुस्कुराहट जरूर प्रतीक कर रहे हैं पर वो दिखती नहीं, यहां से बहुत दूर है, कैमरामैन की नजर भी वहां तक नहीं पहुंच रही, खड़े खड़े इंतजार कर रहे, डगआउट से सेट होकर आने की तैयारी में है।
अब खेल मात्र 12 गेंदों का बचा और गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर उनके चौथे गेंदबाज अल्पेश 4 ओवर के बाद 38 रन 38 फिलहाल स्ट्राइक पर वृषित नंबर 5 की भूमिका पर 2 गेंदों में 2 के साथ साथी बल्लेबाज को मौका दिया। उनका जो रोल है युवा खिलाड़ी का साथी अनुभवी बल्लेबाज को मौका दिया, सचिन ने भी काफी प्रभावित किया। और यहां विकेट कीपर से चूक हुई और गेंद 22 के रूप में रुषित की, वैसे देखा जाए तो गेंद को लीव करने का प्रयास किया उनको, एक शॉर्ट गेंद थी, खराब गेंद थी, अगर वहां अच्छा प्रयास करते तो देखिए धर्मेश भाई खाना और मनु इन दोनों के बीच से चौका निकालने का समय था, पर धर्मेश भाई बहुत ही एक्टिव फील्डरों में उनकी गिनती होती है। ये गेंद को खींचा और ताकत इतनी नहीं थी, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर रखने के खेलने का प्रयास किया था सचिन, थोड़ी सी गलती कर भी हल्का सा कदमों का उपयोग करना था। पीगू हाइट कम फाइट ज्यादा, वैसे देखा जाए तो पीगू ज्यादातर विकेट कीपिंग की भूमिका में रहते हैं, यहाँ लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए भारी भरकम शरीर के साथ उन्होंने जो छलांग लगाई, और देखिए हाल ही में उनकी शादी भी हुई है और शादी के बाद फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है, और होटल स्नेजी ने उनके ऊपर जो दाव लगाया इस बार एक बेहतरीन फील्डर। और देखिए धर्मेश भाई खांडा ये प्लेयर को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, धर्मेश भाई खांडा करीबन 15 साल के बाद क्रिकेट, 15 साल पहले वो काफी अभ्यास भी करते थे पर अब बिना अभ्यास के खेलना और मिडल ऑफ द बैट अच्छी फील्डिंग करना ये आसान नहीं है, पर अनुभव सबसे बड़ी चीज है। और हम जिसकी बात कर रहे थे प्रतीक फ्राई, अगर ये यहां से आने वाली 10 गेंदों में से 6 गेंद खेल लेंगे तो स्कोर जो है, और यहां थोड़ी सी खराब गेंदबाजी पर बल्लेबाज पूरी तरह से झुके। देखिए बल्लेबाज के लिए भी एक चुनौती रहती है जब इरेगुलर गेंदबाज उनके खिलाफ हो, रेगुलर गेंदबाज को क्या पढ़ने का आसान रहता है, पर जो गेंदबाज ने काफी कम गेंदबाजी की हो, जिनका बॉलिंग एक्शन भी थोड़ा सा अटपटा हो, उनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल। और यहां पर मुश्किल ही खड़ी करती हुई अल्पेश बहुत ही प्रभावित किया उन्होंने गेंदबाजी में, 2:25 2:55 पर यह मुकाबला शुरू हुआ था, फिलहाल 3:18 तो अभी भी समय है। ये शॉट, हम इस शॉट की बात कर रहे थे, वृषित जिनके पास ऐसे शॉट है तो उन्होंने पहली गेंद मिस क्यों की, क्योंकि वाइड के चक्कर में उन्होंने वाइड की मांग हो रही थी, पर बाजुए खोलने का मौका जड़ दिया चौका और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44। बहुत ही शानदार खूबसूरत चौका लेदर क्रिकेट में, जिस तरह से और यहां पर 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये मिडल ऑफ द बैट, गेंद को चाचा परखा और युवा खिलाड़ी जिनको समय मिला मौका मिला और अपना कर्तव्य यहां दिखाते हुए मिडल ऑफ द बैट। अभी भी आखिरी गेंद अनिशेष, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की जा रही है, 50 का आंकड़ा छूती हुई टीम, प्रज्ञेश भाई टंडेल उर्फ पिंका टंडेल कप्तान बॉन्डिंग ग्रुप की, उनकी ओर से 50 पाउंड इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में जमा हुए हैं, तो मैं आयोजन कमेटी से निवेदन करता हूं कि इस आज के दिन के बाद मुझसे ये 50 पाउंड ले लीजिए। और यहां पर
धन्यवाद सभी श्रोताओं का और सभी दाताओं का। यहाँ खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 51 रन विकेट 4 के नुकसान के बाद। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए किलर 88 स्नेजी 11। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय, शुरुआत जहां पर मिसफील्डिंग हुई थी, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी फील्डिंग की। पिछली ओवर की आखिरी 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो जहां पर 11 रन खर्च किए और आखिरकार यहां तक पहुंची टीम किलर 88। अब इस पहली पारी की आखिरी 6 गेंदें शेष और गेंदबाजी की जिम्मेदारी साई परेश। और ये गलती, हाँ ना हाँ, ये भी देखिए वापस जाना चाहते थे, रुषित रन आउट नहीं होना चाहते थे, पर रुषित को ये भी सोचना था कि सामने प्रतीक है और प्रतीक को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। रुषित ने पिछली ओवर के आखिरी 2 गेंद पर जरूर बड़े शॉट लगाए, पर प्रतीक ऐसे बल्लेबाज है जो अल्टी पल्टी और गेंद को मैदान के बाहर कल्टी कर सकते है। अग्नि परीक्षा होगी गेंदबाज की। 52 रन आने वाली 5 गेंदें शेष, इन्हीं के लिए रखा था प्रतीक को। और यहाँ 2 फील्डरों के बीच इस बार पटी के लिए फील्डर भी तैनात किया गया, मनु टीम स्वप्निल, एक बहुत ही चुस्त फील्डरों में उनकी गिनती होती है। जर्सी नंबर 45, पहले दिन ही अपनी बेहतरीन फील्डिंग के बदौलत एक अच्छा कैच लिया था, इंजर भी हुए थे। ये क्या खूबसूरत, माय गुडनेस, सड़क पे कड़क। अब रुषित की अगर बात की जाए तो क्या खूबसूरत, नंबर 5 का जो उनका रोल मिडल ऑर्डर, पिछले साल युवा खिलाड़ी सलामी बल्लेबाज और इस साल और ये रुषित की वैसे देखी जाए तो राहुल डेविड की झलक उनमें है, पर आक्रामकता भी। राहुल डेविड का अगर नाम सभी ने सुना होगा तो राहुल द्रविड यानी कि गेंद को डिफेंस करने में मानते हैं, ऐसा नहीं है। राहुल द्रविड ने 20 गेंदों में 50 रन भी बनाए T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, आक्रामकता भी है उनके पास। और यहां बहुत ही संतुलित गेंद, धप्पा खाने के बाद अच्छा उछाल, बड़े शॉट की उम्मीद थी, यहाँ गेंद को पढ़ नहीं पाए। अच्छी किताबें और अच्छी गेंद को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। रुषित 9 गेंदों में 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी। ये ओ माय गॉड, हवा में क्या खूबसूरत, एक युवा बल्लेबाज के रूप में बहुत ही अमेजिंग प्लेयर, वैसे देखा जाए तो सबसे छोटी कम उम्र के खिलाड़ी भी है दमन टंडेल प्रीमियर लीग के इतिहास में। और उन्होंने और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, क्योंकि मात्र 16 साल के अगर आप हो और आपको इस तरह से, सचिन तेंदुलकर जब युवा थे तब इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते थे। रुषित ऑन फायर, एक और लॉन्ग ऑन पर यहां आएंगे पूरे 2 और प्रतीक सामने है और यहां प्रतीक पहुंच नहीं पाए। अंपायर कमलेश यादव का इशारा आया आउट के रिव्यू लेना चाहेंगे और यहां पर रिव्यू की मदद थर्ड अंपायर का रोल अजय माछी। और थर्ड अंपायर अजय माछी का इशारा आया आउट। यहाँ पहली पारी टॉस हारने के बाद करते हुए
हीलर 88 ने 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 67 और स्कोर खड़ा किया 68 का लक्ष्य। सलामी बल्लेबाज का हो रहा है इंतजार। आज डीजे डीवीएस मोटी दमन ने दर्शकों का लुत्फ उठाते हुए क्या खूबसूरत बल्लेबाज को प्रोत्साहित करने के लिए, बल्ला उठाने के लिए तैयार किया है। और स्नेजी होटल स्नेजी बल्ला उठा रही है, 3-4 खिलाड़ियों ने बल्ला उठाया, देखना होगा आएंगे कौन लोग। इसी बीच अंपायर ईश्वर मांगेला का इशारा आया, मुकाबला शुरू, दूसरी पारी की होगी शुरुआत, समय है 3:30 का। इसके बाद अगला मुकाबला ऋषि 11 और विजय किंग्स, दोनों टीम टॉस की गतिविधि के लिए आए। जैक हवा में, और ये देखिए
फोटोजेनिक शॉट। फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद चली गई। देखिए फील्डर के पास मांग थी, बॉल बॉय अनुराग जहां कहीं हो जल्द से जल्द आए। अनुराग बल्ले का बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा नहीं मिला, बल्लेबाज को किस्मत का सहारा मिला, यहां बचे और चौके के बाद विकेट, फिर यहां बाल बाल बचे एक, पांच रन जीत के लिए 68। बॉल बॉय अनुराग ये हवा में खराब शॉट सिलेक्शन। ये प्रतीक फ्राई की वैसे बात किया तो बड़ा कद है, बड़े हाथ है और बिल्कुल कमाल का कैच। और दमन टंडेल प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन की अगर बात की जाए, पॉइंट टेबल के ऊपर अगर नजर रखी जाए, काटेरा टाइगर पिछले पांच मुकाबले में चार जीत एक हार के साथ 8 अंक, नेट रन रेट 2.63, भाविक वॉरियर्स 5 में 4 जीत 1 हार के साथ 8 अंक, नेट रन रेट 1.886, मलबारी डेवलपर्स 5 में 4 जीत 1 हार के साथ 8 अंक, नेट रन रेट 1.282। ये तीन टीम जिनके ऊपर अगर बात की जाए तो इनके चांसेस ज्यादा है, विजय किंग और स्नेजी, इन दोनों के बीच स्नेजी 11 अगर यहां ये मुकाबला जीतती है तो चौथे नंबर पर आ सकती है। और इसी बीच बल्ले का भीतरी किनारा,
और यहाँ पर खेल समाप्त हुआ पहली ओवर का। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 8, जीत के लिए 68, यानी कि आने वाली 30 गेंद जहां बनाने पड़ेंगे 60 रन, 12 की औसत। और सोहिल टंडेल अगर एक ओवर में 3 छक्के लगाएंगे तो मॉर्निंग ग्रुप के पूर्व कप्तान पिंका बाई की ओर से ₹5,000 एक ओवर में 3 छक्के। स्वप्निल अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाएंगे तो ₹50 शैलेश भाई की ओर से, शैलेश भाई जखड़ा, और 2 ₹5,000 49 स्पोर्ट्स की ओर से। ये सीधे बल्ले से स्मैश, इस बार छक्के की आवश्यकता थी, चौका मिला। मुकाबला तो 2 टीमों के बीच हो रहा है, पर तीसरी चौथी पांचवी टीम के लिए भी मौका बन सकता है। ये जहां से फील्डर को निकाला, हाइट कम फाइट ज्यादा, एक के बाद एक। फिनल ने अमरसन की दूसरी ओवर में जो काम किया था, अब पिनल गेंदबाजी आए तो उनकी भरपाई करते हुए सोहिल टंडेल 2 चौके लगाए। सोहिल टंडेल के लिए वैसे इनाम छक्के के ऊपर है, पर वो बल्लेबाजी कर रहे सुरक्षित। इस बार 2 चौके के बाद हल्के हाथों से, ये गलती थोड़ी सी हुई थी, पहली ओवर से आए थे 8, अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। और इसी बीच बार हड़बड़ाहट मौका था, और यहां करीबी मामले में पछे इस बार सचिन अगर सही तरह से। इस ओवर की वजह से देखा जाए तो पावर प्ले की आखिरी गेंद फिलहाल रुका हुआ स्कोर 18, पहली ओवर से आए थे 8, इस ओवर से अब तक आए 10, जीत के लिए लक्ष्य है 68 का, अभी भी बाकी बची 25 गेंदों में जीत के लिए 50 की आवश्यकता। ये बाजू है खोलने का मौका, पिनल ने पावर प्ले की दूसरी ओवर में 3 चौके लगाए थे और यहां पर भी 3 चौके उनको लगे। टीम के कप्तान
टीम वीजे किंग्स जिनके कप्तान आ चुके हैं, प्लेइंग 11 भी तैयार हो चुका है, तो टीम ऋषि 11 से निवेदन है प्लीज जल्द से जल्द आए कोऑपरेट कीजिए। मनु जिनके हैट्रिक सिक्सर पर 20 पाउंड और यहां पर बड़े शॉट का प्रयास और लीडिंग स्कोरर की बात की जाए तो 5 पारियों में 102 रन बनाने वाले यश रमेश उर्फ साई बाविक वॉरियर्स 34 की औसत से 204 की स्ट्राइक रेट के साथ पहला नंबर पर है। दूसरे नंबर पर बाविक वॉरियर्स के 5 पारियों में 95 रन के साथ। दूसरे पर चिराग सुरेश विष्णु सागर 6 पारियों में 85 रन के साथ। तीसरे पर अमर चंद्र रमेश टंडेल स्नेजी 11 4 पारियों में 82 रनों के साथ। चौथे पर विशाल टंडेल मलबारी डेवलपर्स 5 पारियों में 80 रनों के साथ। पांचवे पर गेंदबाजी में मुकुल टंडेल 5 पारियों में 12 विकेट के साथ। पहले पर सागर काटेला टाइगर 5 पारियों में 10 विकेट के साथ। दूसरे पर अविनाश टंडेल बाविक वॉरियर्स 5 पारियों में 9 विकेट के साथ। तीसरे पर पिनल मोटीरमन किलर 88 5 पारियों में 8 विकेट के साथ। चौथे पर संदीप टंडेल विजय किंग्स 5 पारियों में 8 विकेट के साथ। पांचवे पर फील्डिंग में यश रमेश 5 में 6 कैच के साथ। पहले पर शुभम 6 में 6 कैच के साथ। दूसरे पर अभिषेक टंडेल 5 में 5 के साथ। तीसरे पर क्रिस टंडेल काटेला टाइगर 5 में 5 के साथ। चौथे पर और माहिर मनीलाल 5 में 5 के साथ पांचवे पर। और इसी बीच पहली गेंद पर एक उसके बाद विकेट फिर एक आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 जैक। इसी बीच जैक की अगर बात की जाए तो पहली ओवर में 8 रन खर्च किए थे। ये बड़े शॉट का प्रयास बाजुए खोली थी तो यहां एक मैन ऑफ द सीरीज मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर विशाल टंडेल मलबारी डेवलपर्स 17 पॉइंट के साथ। पहले पर बाविक वॉरियर्स के 16 के साथ। दूसरे पर पिनल 16 के साथ। तीसरे पर मुकुल प्रवीण 16 के साथ। चौथे पर माहिर मनीलाल 16 के साथ। पांचवे पर अविनाश टंडेल बाविक वॉरियर्स 15 के साथ। छठे पर राहुल टंडेल विजय किंग 15 के साथ। सातवें पर सनील टंडेल 14 के साथ। आठवें पर यश रमेश 14 के साथ। नौवें पर और अमरसन 12 के साथ। दसवें पर ये मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर और इसी बीच लोअर फुलटर्स को शामिल किया डॉट बॉल बनी होटल्स नेजी जिनको लक्ष्य है 68 का और 60 का इस ओवर की आखिरी गेंद। और इसी बीच बहुत ही किफायती गेंदबाजी इस ओवर की अगर बात की जाए तो जैक टंडेल पहली ओवर में मात्र खर्च किए थे 8 इस ओवर में आए मात्र 3। क्या खूबसूरत स्पेल रहा उनका 2 ओवर में खर्च किए मात्र 11। इसके बाद दोष होगा विजय किंग्स और ऋषि 11। और यहां पर 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 25। अब बाकी बचा खेल 18 गेंदों का और 18 गेंदों में जीत के लिए 43 रन 43। और दमन टंडेल प्रीमियर लीग की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की बात किया तो एक बहुत बड़ा रोल नीरव टंडेल ऋषि 11 के उनका भी है क्योंकि इस मैदान की अगर वैसी देखी जाए तो इस मैदान के मैनेजर वही है। ये मैदान जब छोटा था टब से लेकर ये अब बड़ा बन चुका है पर उनका रोल और इस मैदान के बारे में कोई भी भला बुरा बोलेगा तो सबसे पहले आवाज उन्हीं की आएगी नीरव टंडेल ऋषि 11।
ये च्यवनप्राश, क्या खूबसूरत चौका दो फील्डरों के बीच। ऋतुराज मामू के प्रत्येक सिक्सर पर ₹500 49 स्पोर्ट्स की ओर से। अरे 49 स्पोर्ट्स के ऑनर सनील उनके मौसेरे भाई भी है, दोनों हरे भरे भी है। और इसी बीच ये अच्छी गेंद, क्या खूबसूरत टप्पा भी खाई, उछाल भी अच्छा मिला गुडलैंड से बल्लेबाज को। वैसे देखा जाए तो बीट करने का इससे अच्छा नजर नहीं। सोहिल भाई अगर एक ओवर में 3 छक्के लगाएंगे तो पिंका भाई मॉर्निंग ग्रुप के कप्तान की ओर से ₹5,000। ये जगह बना के साथ थोड़ा सा खराब शॉट सिलेक्शन, पटिक फ्लाई, ये सीधा थ्रो, यहाँ गलती, बल्लेबाज ने बल्ला नहीं रखा, वो दौड़ कर आना चाहते थे सीमा में, पहुंच नहीं पाए, वापस जाना पड़ेगा डगआउट में। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में मिडल ऑर्डर लेकर आए अर्मशन रमेश टंडेल आते संग, पर इनके लिए फील्डर भी रखा था, पर ये खूबसूरत चौका। अर्मशन रमेश की वैसे बात की जाए तो जब अंदर 16 में वो महाराष्ट्र के लिए उन्होंने खेल दिखाया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी। अगर मेरा मानना, अगर वो सुनते तो ये लेदर क्रिकेट के भी बहुत अच्छे बल्लेबाज, फिटनेस के ऊपर ध्यान देने के लिए उनको मैंने कई बार कहा, पर ये अपने मन की सुनते हैं, सुने सबकी, करे अपने मन की। अमरसन एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, ये शॉट देखिए, इनके पास स्टाइल है, इनके पास अपना खुद का अंदाज है, इनके पास उनके बल्ले से रन है, ये है अमरसन रमेश टंडेल। और यहां 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 39, अब बाकी बचा खेल 12 का, जहां चाहिए 12 में 29। अमरसन रमेश को वैसे देखा जाए तो बहुत ही लेट निकाला 6 नंबर पर, ये ऐसे बल्लेबाज है जो कोई भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब खेल होगा नानी दमन और मोदी दमन के बीच, क्योंकि एक तरफ अमरसन नॉन स्ट्राइक एंड पर पिनल का इंतजार कर रहे हैं, तो पिनल अमरसन का, क्योंकि ये दोनों की दोनों गॉड गिफ्ट है, एक तरफ पिनल रमेश टंडेल, एक तरफ अमरसन रमेश टंडेल, ये दोनों का बैटल बहुत ही देखने लायक था।
होगा, क्योंकि सोहिल भाई अगर पहली गेंद पर एक रन अमर सन को देंगे तो अमर सन देखना होगा पिनल को किस तरह से फेस करेंगे, क्योंकि अब खेल जो बचा है 12 का, 12 में चाहिए 29। ये क्रिकेट का खेल, कभी यहां कभी वहां उतार चढ़ाव इसमें होते रहते हैं। और सोहिल भाई के लिए मॉर्निंग ग्रुप के कप्तान पिंका भाई की ओर से एक ओवर में 3 छक्के पर 5000 का नगद इनाम है। और यहां पर डीमर का रिव्यू लिया गया है, थर्ड अंपायर अजय माची की भूमिका रहेगी। फेयर डिलीवरी यहां पर पहली गेंद पर 6। हवा में गेंद, फील्डर को चीरता हुआ। ये देखिए मॉर्निंग ग्रुप के कप्तान पिंका भाई ने जो इनाम रखा है उसके करीब आ चुके हैं। सोहिल चंडेल ऑन फायर। और ये बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास करना चाहते थे, थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। देखिए जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। 2 छक्के के बाद डॉट बॉल, खेल गर्माता हुआ इस ठंडी के मौसम में। 3 में खर्च किए 6, अब 9 में चाहिए 17। इस ओवर के ऊपर काफी कुछ निर्भर। हवा में और यहां 2 गेंद पर 2 छक्के के बाद डॉट दबाओ और उसके बाद विकेट। सिक्स डॉट विकेट आने वाली 2 गेंदे शेष। अल्पेश इज ऑन स्ट्राइक। और क्या खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसे बहुत ही शानदार कमबैक भी माना जाएगा, क्योंकि आपने शुरुआती 2 गेंद पर जब बड़े चीत खाए थे उसके बाद अच्छा कमबैक। हवा में गेंद, टप्पा खाया और ये खराब फील्डिंग। देखिए ये चौका आपको बचाना था किसी भी हाल में। और अब खेल बचा है 6 गेंदों का, 6 गेंदों में चाहिए जीत के लिए 13 रन। 6 गेंद
13 रन। विजू अगर यहां गेंद को रोक लेते तो बहुत अच्छी बात हो सकती थी। इस ओवर से आया कुल मिलाकर रन 16। फेयर डिलीवरी, और दोनों रिव्यू गवा लिए। अब बैटिंग टीम के पास कोई रिव्यू उपलब्ध नहीं है। 6 गेंदे और जीत के लिए रक्ष 13 का। ये क्रिकेट का खेल, अब बचाने के लिए आएंगे कौन ये देखना होगा। और निलेश गेंदबाजी लेकर, 6 गेंदे जीत के लिए रन चाहिए 13। अमरसन खुद के अस्तित्व को बनाने में बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन एक बार अस्तित्व बन जाने के बाद रूप देखने लायक होता है। निलेश दादा ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ शुरुआत हुई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक खेल दिखा था वृषित ने, अपनी बल्लेबाजी के बदौलत अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी, ये चौका। ये गेंद को रोकना था बहुत जरूरी था। यहां बल्ले का बाहरी किनारा बल्लेबाज को मिला किस्मत का सहारा, और ये गेंद चली गई सीमा रेखा पार। अब 5 में चाहिए 8। 5 विकेट हाथों में। हर्ष नेजी के लिए मौका है अभी भी टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। अमर संघ जैसे देखे जाए तो टूर्नामेंट के सर्वाधिक स्कोर में इनकी गिनती अब की जाएगी। बल्लेबाजों में टॉप 3 में है, 4 रन पीछे पहले नंबर से। ये उम्दा अमरसन रमेश टंडेल, कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए। और जो रुदुराज मामू ने जो दाव लगाया था, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए।